हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया के बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए लेके आ गए हैं स्पाइरल नोटबुक्स का रिव्यू। तो गाइस, यहां पे हमारे पास है सम ऑफ द बेस्ट सेलिंग नोटबुक्स इन इंडिया, जो कि स्पाइरल है ऑफ कोर्स। एंड हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको 300 पेजेस की एक 5-6 सब्जेक्ट नोटबुक खरीदनी है तो आपको किस नोटबुक में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट यार्ड पे हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करके आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो इन सभी नोटबुक्स को हम टेस्ट करने वाले हैं इनकी पेपर क्वालिटी के लिए, कितने GSF का ये पेपर ऑफर करते हैं, क्या फीचर्स ये नोटबुक ऑफर करते हैं जो इनके कंपटीटर्स ऑफर नहीं कर पाते। देन गाइस, होने वाली है रियल टेस्टिंग, जहां हम इन नोटबुक्स पर टेस्ट करेंगे जेल पेन्स, रोलर बॉल्स, फाउंटेन पेन्स एंड हाइलाइटर। गाइस, तो हमारे पास काफी सारे ब्रांड के पेन्स अवेलेबल हैं। दिस इज द रोरिटो फ्लाइमैक्स, देन वी हैव पायलट की तरफ से V7 हाईटेक पॉइंट, देन फ्लेयर की तरफ से अल्ट्रॉनिक्स V10 RT है हमारे पास पायलट का, देन वी हैव फूडे 1.5। तो यहाँ पे सारे ही सारे निप साइज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम 0.5 टू 1.5 mm तक, है ना। देन वी हैव फाउंटेन पेन, वी हैव पायलट मेट्रोपॉलिटन, वी हैव पायलट फ्रंटियर, देन वी हैव इंकी क्लासिक फ्रॉम फ्लेयर। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे हाईलाइटर मौजूद है, वी हैव लिक्विड हाईलाइटर्स, वी हैव ज़ेब्रा माइंड लाइटनर, देन हमारे पास सेलो का हाईलाइटर भी है जो आप जनरली यूज करेंगे डेली लाइफ में, देन वी हैव फीवर कासल का मेटालिक हाइलाइटर। तो गाइस, इन सभी आइटम्स को हम नोटबुक पे टेस्ट करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कहीं किसी टाइप का स्मियरिंग तो नहीं है, कहीं फैल तो नहीं रही है, कुछ ब्लीड थ्रू तो नहीं है, या फिर इंक पीछे दिखती है या नहीं। तो गाइस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एंड इनके बेसिस पे देन हम आपको हमारा फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि आपको फाइनल कौन सी नोटबुक लेनी चाहिए। गाइस, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आप साल भर मेहनत करते हैं, नोटबुक मेंटेन करते हैं, तो गाइस इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नोटबुक आप ले रहे हैं ना, जिसमें आप साल भर मेहनत करेंगे, वो काफी अच्छी क्वालिटी को। एंड गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? वो मिलेगी आपको स्टूडेंट यार्ड पे। तो मेक श्योर नीचे जो लाल बटन है वो ऑलरेडी ग्रे हो चुका हो, आप चैनल को सब्सक्राइब दो एंड नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हैं, जिससे कि ऐसा वीडियो जब भी आए तो आप इसको मिस ना करें। एंड गाइस, आप सही नोटबुक खरीद के साल भर जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं उसको सही तरीके से यूज कर पाए। तो सबसे पहले गाइस, हम इन नोटबुक्स का एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं एंड इनके प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्राइस में नोटबुक मिलते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी नोटबुक आने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुकी है हमारी क्लासमेट की पल्स नोटबुक। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ गाइस इसमें क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो पीछे आप इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिख जाएंगी। ये 145 रुपीज़ की नोटबुक आती है एंड टोटल 300 पेजेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो साइज़ है नोटबुक का, ये A4 से हल्का सा छोटा साइज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन है वो भी बता देता हूँ। लगभग सारी नोटबुक का सेम डायमेंशन है, 26.7 सेंटीमीटर इंटू 20.3। तो बेसिकली जो A4 साइज़ होता है, जो फोटोकॉपी पेपर होता है, उससे हल्का सा हाइट में थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको ये साइज। तो परफेक्ट है स्कूल नोटबुक के लिए। तो यहाँ पे अंदर देखते हैं गाइस, सबसे पहले ये जो ओवरऑल आपको जो ओवरऑल कवर मिलता है ये प्लास्टिक का मिलता है, ये पेपर नहीं है, तो कभी भी पानी वगैरह फैलता है तो ये बचा लेगा ऊपर से। देन अंदर देखते हैं तो गाइस, अंदर इस टाइप से हमको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप नेम, एड्रेस वगैरह जो डिटेल्स हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है, इंसर्ट डूडल सेल्फी है, यहाँ कोई फोटो वगैरह लगा सकते हैं आप चाहें तो। तो ये पेज हार्ड है थोड़ा सा। देन आगे बढ़ते हैं तो गाइस, इस टाइप का नोटबुक हमको ये कुछ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप की ये रूल्ड पेजेस हैं, यहाँ पे किसी भी टाइप की ब्रांडिंग नहीं दी गई है, यहाँ पे डेट डालने के लिए जगह है एंड यहाँ पे ब्लैक लाइंस हैं, तो काफ़ी शार्प लाइंस हैं, मुझे अच्छी लगी। पेपर की जो क्वालिटी है वो गाइस, इसमें जो यूज़ होता है वो 60 GSM पेपर यूज़ होता है ना, 60 GSM पेपर का ये नोटबुक है। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलते हैं पेजेस। अब असली क्वालिटी तो टेस्टिंग में ही पता चलेगी। यहाँ पे गाइस, डिवीजन आपको इस टाइप के दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, तो इस टाइप का एक पेपर डिवीजन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, है ना, क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट नोटबुक है तो बेसिकली इसमें कुछ पेजेस के बाद ऐसा डिवीजन है, ठीक है। तो आप आगे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस काफ़ी सारे कलर्ड पार्ट दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक येलो डिवीजन आ गया, देन इसके बाद यहाँ पे एक पिंक डिवीजन भी है ना, ऐसे डिवीजन आपको दिए गए हैं। पीछे अगर मैं इस बुक को टर्न करता हूँ नोटबुक को, तो पीछे भी हमको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक है ये, ठीक है, तो ये बुक को प्रोटेक्ट करके रखेगा आपकी। पीछे हमें हमेशा की तरह ये कुछ डूडल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ गेम्स देखने को मिल जाते हैं। और इसको अगर मैं ओवरऑल इसका ईज़ ऑफ यूज़ देखूँ, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ एंड इसको कहीं से भी निकाल देता हूँ, तो गाइस स्पाइरल में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। कई बार पेजेस लटकने गाइस स्पाइरल्स में, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है, तो आराम से खुल जाती है कहीं से भी, ठीक है। तो ये इसका एक फिजिकल ओवरव्यू हो गया गाइस। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट बुक पे। तो गाइस, अब हमारे पास नोटबुक आ रहा है जो नेक्स्ट, वो है हमारा 5 सब्जेक्ट नोटबुक फ्रॉम लग्जर। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास लग्जर का
आप देख सकते हैं लग्जर का कन्वर्ट सीरीज आ गया है यहाँ पे हमारे पास। तो ओवरऑल इसका पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, साइज सेम ही है इसका, जो MRP है अब यहाँ पे हमारे पास कहीं से 250 पेजेस वाला है तो उसका MRP कम है, 300 का लेंगे तो आपको 140 तक मिल जाएगा, है ना। तो ये हम प्राइसिंग लगभग सिमिलर ही है। ओवरऑल इसका कवर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें पेपर का कवर मिलता है, बट हार्ड यहाँ पे पेपर है, मोटा पेपर है, प्लास्टिक नहीं है ये। अंदर मैं देखता हूँ गाइस, अगेन यहाँ पे एक फ़ोटो लगाने के लिए सेम डिटेल्स आप भर सकते हैं, ये एक पेज है, ओके ये भी हार्ड थोड़ा सा मोटा पेज है। देन गाइस अगेन क्लासमेट की तरह ही हमको यहाँ पे रूल्ड पेजेस मिलते हैं, सिंगल लाइन रूल्ड में हमको ये मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट वगैरह एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं दिखाता हूँ पास में, #learnthesmarterway, ओके ग्रेट। तो पेज की क्वालिटी ठीक लग रही है मुझे। अगेन गाइस ये भी जो पेज है वो 60 GSM पेज ही है, ठीक है, 60 GSM पेज ही यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो अगेन कुछ डूडल्स आपको कुछ गेम्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पे भी आपको कुछ ब्रेन टीजर्स एंड गेम्स दिए गए हैं। तो पीछे की तरफ भी हमको कार्डबोर्ड देखने को ही मिल जाता है, हार्ड पेपर देखने को मिलता है, प्लास्टिक नहीं है ये। इसका जो ईज़ ऑफ यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, तो अगेन इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छे से मैं कहीं से भी पेज खोलता हूँ तो स्पायरल अटक नहीं रहा है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है गाइस, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। ओके तो ये थी हमारी 5 सब्जेक्ट प्रीमियम नोटबुक फ्रॉम लग्ज। देन गाइज अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नोटबुक पे, तो नेक्स्ट आ रही है गाइज फ्रॉम डॉम्स। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द नोटबुक फ्रॉम डॉम्स। तो ये जो है हमारे पास क्लासिक कार 6 सब्जेक्ट स्पायरल नोटबुक, इसका नाम है। इसका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज, प्राइसिंग इसका यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 160 रुपीज़ है, जनरली 145 में मिल रही है, बट ये 160। एंड इसका एक रीज़न भी है गाइज, मैं आपको बताऊँगा जल्दी, 300 पेजेस में आते हैं, है ना। ओके तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ गाइज, तो इस नोटबुक का सबसे पहले जब आप हाथ में लेंगे ना तो कंपैरेटिवली आपको ये थोड़ी ज़्यादा थिक भी लगेगी बाकी नोटबुक से, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको कंपेयर करेंगे ना, ये थोड़ी ज़्यादा थिक लगेगी आपको, ये डॉम्स की है एंड ये लग्जर की है ना, क्लासमेट की लगभग भी इतनी थिक है, तो ये थोड़ी थिक है एंड वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। इसका गाइस एक मेन रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि इस नोटबुक में जो पेजेस यूज़ हुए हैं ना वो 60 GSM नहीं है गाइस, 70 GSM है ना। तो 70 GSM थोड़ा सा बेटर क्वालिटी पेपर है, थोड़ा थिक पेपर है, थोड़ा ज़्यादा वेट होता है, एंड इसका पेज क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा, पेज थिक है एंड थोड़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी के मुझको यहाँ लगे। स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास पेस्टल कलर का पेज है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नेम वेम कुछ नहीं लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। देन गाइज हमें यहाँ पे जो पेज दिखता है, नीचे डॉम्स की ब्रांडिंग दिख जाती है एंड ऊपर हमको डेट डालने के लिए एक छोटा सा कॉलम दिया गया है, नॉर्मल पेजेस हैं। एंड यहाँ पे जो लाइंस है ब्लैक लाइंस दी गई हैं, ब्लैक रूल्ड पेपर है, लाइट है लाइंस, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको। अगेन इसका ईज़ ऑफ यूज़ बढ़िया है, ठीक है, कहीं से भी आप इसको खोलिए, इवन तो ये मोटी लग रही है पर बहुत अच्छे से कहीं से भी खुल जाती है, तो बहुत इजी मुझे लगा इसको खोलना, ठीक है। एंड इसके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो आपको डिविजन्स दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए इस टाइप के कुछ डिविजन है, डिविजन जो है गाइस ये पेपर के ही है, थोड़ा मोटा पेपर है, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप की ये कुछ डॉम्स की नोटबुक हमको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी लास्ट नोटबुक पे गाइस, तो जो लास्ट नोटबुक हमारे पास आ गई है गाइस वो है युवा की तरफ से। तो यहाँ पे नवनीत का एक ब्रांड है युवा, तो ये 6 सब्जेक्ट नोटबुक है, पीछे डिटेल्स हैं। इसका प्राइस यहाँ पे सबसे कम है गाइस, 125 रुपीज़ में आपको 300 पेज की नोटबुक मिल जाती है, ठीक है। एंड इसको अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इस टाइप से कुछ गाइस इसका फ्रंट पेज है। देन आगे बढ़ते हैं हम, तो ये थिक पेज है। देन हमें यहाँ पे ब्लू कलर की एक रूल्ड सिंगल लाइन रूल्ड नोटबुक देखने को मिल जाती है। ये गाइस सारी जो नोटबुक्स हैं मैं आपको रूल्ड बता रहा हूँ, बाकी आपको कई काफ़ी केसेस में जैसे क्लासमेट का पल्स आपको अनरूल्ड भी मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हैं, ये सारी सिंगल लाइन रूल्ड मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर की लाइनिंग देखने को मिलती है एंड रेड कलर का मार्जिन मिलता है, ठीक है। और इस टाइप के डिवीजन हमको देखने को मिल जाते हैं येलो कलर से, तो यहाँ पे इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी भर सकते हैं कि भाई आगे आपने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिवीजन है उसमें इंडेक्स भी बना हुआ है, तो इस टाइप के आपको डिवीजन देखने को मिलेंगे, सभी सेम कलर के डिवीजन है, ठीक है। पेज की क्वालिटी गाइज अगेन यहाँ पे मैंने इसको ढूंढा, मुझे एग्जैक्ट GSM तो नहीं मिला, बट ये होल्ड करने पे मुझे लगभग 57 to 60 GSM ही पेज लग रहा है ना, हल्क 60 है, डेफिनेटली 60 से नीचे ही है, 60 तक होगा गाइज ये, है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पीछे क्या है, तो पीछे हमें कुछ युवा की ब्रांडिंग मिल जाती है ना। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो 100 ईयर एक कैलेंडर हमें युवा ने दिया हुआ है, ठीक है, ये सब है। और ईज़ ऑफ यूज़ अगर इसका मैं आपको बताऊँ तो स्पायरल में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं गाइस ये अच्छे से खुल रही है, किसी भी पेज पे मैं इसे खोल के लिख सकता हूँ, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, स्पायरल अच्छे से काम कर रहा है इसका। तो गाइस फिजिकल ओवरव्यू तो आपने देख लिया है, अब होने वाली है मेन टेस्टिंग गाइस, हम इन सभी चीज़ों को इस नोटबुक्स पे यूज़ करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं
कि एक्चुअली ये कैसा परफॉर्म करते हैं गाइस। तो हम एक एक नोटबुक पे इन सभी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे एंड देन आपको रिजल्ट उसके बताएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ चुकी है हमारी क्लासमेट की पल्स नोटबुक, तो उसको ओपन कर लेते हैं एंड इस पर हम कुछ लिख के देखेंगे गाइस। तो पहले आने वाला है हमारे पास हमारा जेल पेन रोडिटो की तरफ से फ्लाई मैक्स। हेलो एवरीवन। ओके, तो पेन तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, पेज पे ग्लाइड कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा पेन है? दिस इज़ अ जेल पेन एंड ठीक है 0.5 mm इसका निप साइज है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ चलता है। दूसरा पेन हम ले लेते हैं। अब आने वाला है गाइस हमारे पास हमारा पायलट की तरफ से V7। हेलो एवरीवन। ओके, तो ये भी अच्छे से चल रहा है, किसी भी टाइप की स्मेयरिंग मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ नाम लिख देता हूँ, दिस इज पायलट V7। जो लोग सोच रहे हैं V5, तो अगर V7 कुछ नहीं होता है तो V5 तो ऑटोमेटिक ऐसे चली जाएगा, वो तो 0.5 mm में आता है। दिस इज 0.7 mm एंड ये लिक्विड इंक यूज़ करता है, तो ये एक रोलर बॉल है। इसके बाद एक और हमारे पास रोलर बॉल आ जाता है फ्रॉम फ्लेयर। तो यहाँ पे अल्ट्रॉनिक 0.7 mm है हमारे पास, तो अल्ट्रॉनिक्स का भी रिव्यू हम लोग लेके आएंगे। तो उससे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो अल्ट्रॉनिक्स थोड़ा ज़्यादा डार्क है V7 से, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ द फ्लेयर अल्ट्रॉनिक्स। ओके, तो मुझे किसी भी टाइप की स्मेयरिंग तो नहीं दिख रही है, इंक फैलती हुई मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिस इज़ अगेन 0.7 mm रोलर बॉल। यहाँ पे सीधा ले लेते हैं, दिस इज़ द फूडे बॉल 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 mm निप साइज है, ये बहुत ज़्यादा मोटा पेन है, आप देख सकते हैं इसका निप, ठीक है। इससे हम कुछ लिख के देखते हैं। तो हेलो, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटा है यार ये, तो काफ़ी ज़्यादा इंक इसमें से निकलती है, तो ये पता नहीं स्मीयर होगा कि नहीं। वैसे तो इतने मोटे पेन से कोई नहीं लगता है, बट फिर भी टेस्टिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फूडे बॉल, फूडे बॉल 1.5, ठीक है। ओके, तो ये काफ़ी मोटा पेन था, यहाँ पे आपने देखा इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस हमारे कुछ फाउंटेन पेन्स के पास। तो फाउंटेन पेन में हमारे पास जो आप जनरली यूज़ करेंगे वो है, तो यहाँ पे वी हैव द फ्लेयर इंकी 60 rupees का, जो हमारा कंपैरिजन था उसमें बेसिकली ये वन ऑफ द विनर्स भी था। वो कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं फाउंटेन पेन का, तो इससे लिख के देखते हैं, ठीक है। ये रिफिलेबल होता है, तो इससे कुछ लिख के देखते हैं। फाउंटेन पेन नीचे में ले आता हूँ, तो काफ़ी शार्प है ये पेन एंड स्क्रैची बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे इस पे लिखने में, इस पेपर पे तो काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ द फ्लेयरिंग की, तो और पेपर का टच एंड फील भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। दिस इज़ अ फाउंटेन पेन, फाइन है ये, इसका निप साइज फाइन है, ठीक है। अब थोड़ा मोटा फाउंटेन पेन हम लोग यूज़ कर लेते हैं गाइस, है ना। यहाँ पे मैं आपको पाकर से लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो इसका बेसिकली ये कि ये मीडियम निब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसे लिखता हूँ मैं। ओके, मैक्सिमम पेजेस पे ये पेन फैल जा रहा था, बट यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्कर फ्रंटियर। तो अगेन गाइस ये भी काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, ये एक फाउंटेन पेन है, ठीक है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसे लिख के। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस कि कुछ इस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, है ना। अभी लीक करेगा कि नहीं ये तो पीछे पता चलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गाइस हमारे हाइलाइटर्स टेस्ट करके। तो वी हैव अ लिक्विड हाइलाइटर यहाँ पे फ्रॉम सर्व, ठीक है। तो इससे मैं देखता हूँ हाईलाइट करके कि कैसा ये परफॉर्म करता है गाइस, ठीक है। दिस इज़ द ज़ेब्रा माइल लाइनर। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारी ही चीज़ें इस पर चला के देख ली है, तो अब देख लेते हैं गाइज़ कि पीछे क्या हाल हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, यहाँ पे किसी भी टाइप की स्मेयरिंग मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली है, इंक नहीं फैली। इवन ये जो हमारे पास दो पेन थे, द पार्कर फ्रंटियर एंड द फूडे बॉल, तो ये भी नहीं फैले हैं। नहीं तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि लेटर्स के बगल में से इंक ना आगे आगे भर जाती है ऐसे ऐसे स्मेयरिंग, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एंड अगर मैं इसको गाइस पीछे करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये पीछे का है। तो यहाँ पे जो सी थ्रू है, बेसिकली सी थ्रू किसको बोलते हैं कि पेज के पीछे लिखा हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हल्का हल्का दिख रहा है। और बेसिकली कौन से पेन्स का दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए गाइस। ये जो दो पेन्स हमारे पास थे,
ठीक है, एक तो हमारे पास है फूडे बॉल, एंड हमारे पास ये जो ऊपर वाला पेन था ये कौन सा है, दिस इज़ द फ्लेयर अल्ट्रॉनिक्स। तो ये दोनों पेन हमको थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, आप इस पेज पे लिखेंगे तो डेफिनेटली इंटरफेयर करेंगे। बाकी गाइस कोई भी पेन हमको यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा है, और जो जेल पेन जनरली हम जैसे यूज़ करेंगे, दिस वॉज द जेल पेन, तो जेल पेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है, तो ज़्यादा सी थ्रू नहीं है गाइस, है ना, ज़्यादा सी थ्रू मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सिमिलरली रिजल्ट आपको अगर मेट्रोपॉलिटन यूज़ करते हैं आप तो उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा जनरली। तो हाइलाइटर का मैं अगर आपको बताऊंगा गाइस, तो यहाँ पे कोई भी हाइलाइटर नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे हमारा जो मेटालिक हाइलाइटर था फ्रॉम फेबर कासल उसका बेसिकली हल्का सा यहाँ पे एक डॉट देखने को मिला है ना, तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल जो हाइलाइटर्स हैं वो नहीं देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सेस में गिर गया था तो वो दिखा, और जनरल हाइलाइटर यूज़ आप करते हैं तो इतना ज़्यादा हल्का सा सी थ्रू तो है, पर कोई भी ब्लीड नहीं है, मतलब इंक बाहर नहीं निकली, बस आप हल्का सा इस पर दिख रहा है। तो गाइस अब आ चुकी है हमारे पास हमारी नेक्स्ट नोटबुक फ्रॉम लग्जर कन्वर्ज, ठीक है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट नोटबुक है ये, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड देन गाइस इस पर टेस्ट करके देखते हैं हमारे सारे पेन्स को। तो इसका मैं पेज निकाल लेता हूँ, फ्रंट पेज, ओके, एंड जो अभी मैंने पेन्स यूज़ कर रहे थे गाइस उसी ऑर्डर में मैं सारे पेन से यहाँ लिखूँगा, देन आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा जेल पेन। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है ना, तो कोई इशू मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो दिस इज अ जेल पेन 0.5 mm, अल्ट्रॉनिक्स आ गया है अब हमारे पास हमारा फ्लेयर की तरफ से, ये आ गया है हमारा फूडे बॉल, का 1.5 mm निप साइज है। तो गाइस फूडे बॉल से लिखते वक्त यहाँ पे मुझे हल्की हल्की सी स्मेयरिंग देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी यहाँ पे मुझे लग रहा है, बाद में चेक करते हैं डीट ज़्यादा फैली है कि नहीं गाइस यहाँ पे। ओके, तो अब ले आते हैं हमारे फाउंटेन पेन्स, तो वी हैव अगेन द फ्लेयर इंकी, हमारा फेवरेट, ठीक है, लेयरिंग की फाउंटेन पेन, अब है हमारे पास हमारा पाका की तरफ से आने वाला फ्रंटियर, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, मीडियम ने भेस का है ना, वैसे यहाँ पे ये बोलता फाइन है बट यहाँ पे एक्चुअली में ये फाइन नहीं है, थोड़ा थिक है ये, दिस इज द पाका फ्रंटियर फाउंटेन। ओके, मेटालिक हाइलाइटर। तो गाइज हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिए हैं सारे पेन्स, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये दिखते हैं, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। तो इस टाइप की ज़्यादा कोई स्मेयरिंग मुझे देखने को नहीं मिली, इंक ज़्यादा फैली वैली कहीं नहीं है, एंड ये हमारे हाइलाइटर्स हैं। अब पीछे देख लेते हैं गाइस कुछ ब्लीड थ्रू है क्या, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस कि इस टाइप से ये देखिए, तो कुछ इस टाइप का सी थ्रू ज़रूर है, हल्का हल्का पेन दिख ज़रूर रहे हैं, बट ठीक है 60 GSM जो हमारे पेपर है उसके लिए नॉर्मल है, बट ये मेटालिक हाइलाइटर बस थोड़ा सा ब्लीड हुआ है, बाकी जो अदर हाइलाइटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, बस उनमें सी थ्रू है, ज़्यादा ब्लीड नहीं हुए हैं। तो इस टाइप का कुछ सी थ्रू आपको भाई देखने को मिल जाता है, आप एक आइडिया ले सकते हैं। एंड जनरली जो ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे वो ये दो पेन्स हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं, वन इज़ द फ्लेयर अल्ट्रॉनिक्स एंड अदर इज़ द फूडे बॉल, ठीक है, तो ये दो पेन हैं। तो गाइस दीस आर द टू पेन्स, है ना, बाकी अगर आप नॉर्मल जेल इंक यूज़ करते हैं, जेल पेन यूज़ करते हैं लिखने के लिए सिंपल, तो जेल पेन में मुझे ऐसा कोई ज़्यादा
सी थ्रू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ओके गाइस, अब आ चुकी है हमारे पास हमारी नेक्स्ट नोटबुक फ्रॉम डॉम्स। तो यहाँ पे डॉम्स 6 सब्जेक्ट स्पाइरल नोटबुक हमारे पास अवेलेबल है एंड इस पे अभी हम हमारे सारे पेन्स टेस्ट करने वाले हैं। तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है एंड एक एक करके सारे पेन टेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जेल पेन आ गया है वापस से, तो मैं लिखता हूँ उससे। तो इस नोटबुक की खास बात यह है ये थोड़ी सी गाइस थिक पेजेस हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पर लिखने में। तो दिस इज अ जेल पेन 0.5 mm, है ना। ओके, बाकी सारे पेन से मैं लिख देता हूँ गाइस जल्दी जल्दी। इनकी मतलब इसमें कोई मुझे नहीं लगता ब्लीड देखने को मिलेगा। क्लासिक, तो इसमें किसी भी तरह का मुझे स्मियर देखने को नहीं मिला है फिलहाल तो, ठीक है। एंड गाइस अब आ जाते हैं हमारे हाइलाइटर्स पे। तो हमारे पास हमारा लिक्विड हाइलाइटर आ गया है। ओके, तो गाइस इस टाइप का ये पेज कुछ दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे किसी भी टाइप की स्मियरिंग देखने को नहीं मिली है, काफ़ी अच्छे से इसमें दिख रहा है सब कुछ, है ना। किसी भी टाइप की स्मियरिंग नहीं है, हाइलाइटर देख सकते हैं। पेज टर्न करके आपको दिखा देता हूँ मैं गाइस कैसी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पे गाइस सबसे क्लीन परफॉर्मेंस मुझे लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी टाइप का पेज के ऊपर स्मियरिंग मुझे या फिर सी थ्रू मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, या ब्लीडिंग नहीं है, किसी भी टाइप का इंक ब्लीड नहीं है, बिल्कुल साफ है। इवन गाइस मोटे से मोटा पेन, मतलब हमारे जो यहाँ पे थे फूडे बॉल था हमारे पास, हमारा इंकी क्लासिक था, हमारे पास हमारा पाका का फ्रंटियर था, है ना, एंड अल्ट्रॉनिक्स का फ्लेयर का, तो गाइस वो भी इसमें ब्लीड नहीं हुए हैं, ठीक है। और यहाँ ब्लीड तो छोड़े गए, सी थ्रू भी मुझे यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो 70 GSM पेपर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक प्रॉफिट आपको मिल जाता है कि किसी भी टाइप का सी थ्रू देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलता है गाइस, है ना। और हाइलाइटर भी आप देखेंगे तो अगेन किसी भी हाइलाइटर में यहाँ पे सी थ्रू भी बहुत ज़्यादा कम है। बस मेटालिक का मुझे हल्का सा सी थ्रू दिया है, बाकी में ये ब्लीड कर गया था, बट यहाँ पे बस मेटालिक का सी थ्रू देखने को मिला है। तो कुछ इस टाइप का परफॉर्मेंस हमें डॉम्स की नोटबुक से देखने को मिल जाता है गाइस। तो इसका ये जो प्राइस था जो कि 160 है, जो कि आई थिंक 15 rupees ज़्यादा था, उसका रीज़न आई थिंक यही था कि इसमें 70 GSM पेपर यूज़ हुआ है। तो गाइस अब आ जाते हैं हमारी फाइनल नोटबुक की तरफ, जो कि है युवा की तरफ से द ओरिजिनल 6 subject नोटबुक, ठीक है। इस पर हम लोग लिख के देखते हैं। ओके, इसका पेज मैं ओपन कर लेता हूँ अगेन। हेलो एवरीवन, मैं बात तो गाइस यहाँ पे मुझे हल्की सी स्मेयरिंग देखने को मिली है। तो आप इसके अगर एजेस देखेंगे तो हल्के से फैल रहे हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, हल्के से एजेस फैल रहे हैं, है ना। मैं दूसरा फाउंटेन पेन लेता हूँ तो उसमें ज़्यादा एविडेंटली ये दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा पाकर आ गया है, थोड़ा ज़्यादा थिक है तो इस पर देखना थोड़ा आसान हो जाएगा इसी चीज़ को। दिस इज़ द पाकर। तो गाइस अब आप क्लियरली देख पाएंगे फ्रंटियर फाउंटेन। तो भाई डेफिनेटली आप इस नोटबुक पे फाउंटेन पेन तो यूज़ नहीं कर सकते, है ना। आप देख सकते हैं हल्के हल्के एजेस पे स्पीयरिंग ये पेन फैल रहा है हल्का हल्का, है ना। तो ये आ गया हमारा हाइलाइटर। तो गाइस अगर ओवरऑल आप देखें तो कुछ इस टाइप का ये परफॉर्म किया है पेन्स ने हमारे इस पेज पे। तो बेसिकली मुझे इसका पेज क्वालिटी इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है, एंड अगर आप पीछे भी देखेंगे तो वो एविडेंटली दिख रहा है कि सी थ्रू तो बहुत ज़्यादा है, सारे ही पेन इसमें दिख रहे हैं, इवन जो हमारा जेल पेन है वो भी दिख रहा है। तो काफ़ी जो पेज क्वालिटी है मुझे वो कम लगी ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ब्लीडिंग भी है एंड स्मियरिंग भी है,
ठीक है। एंड सी थ्रू तो है ही, देख ही रहे आप, देख ही सकते हैं क्लियरली, सारे हाइलाइटर्स भी दिख रहे हैं एंड पेंस भी दिख रहे हैं, है ना। तो गाइज ये था हमारा युवा का नोटबुक। तो डेफिनेटली गाइज ये तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके गाइज, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है एंड अब हम आ गए हमारे वर्डिक्ट सेक्शन पे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चारों नोटबुक में से कौन सी बेस्ट लगी। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे गाइज, मुझे यहाँ पे दो नोटबुक का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा गाइज डॉम्स का, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत एक तो बहुत वाइट पेपर है एंड बहुत अच्छे से किसी भी तरह का स्मेयरिंग मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। सारी चीज़ें टेस्ट करी एंड सबसे बेस्ट बात थी कि पीछे हमें किसी भी टाइप की इंक ब्लीड और यहाँ पे शो थ्रू भी देखने को नहीं मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे गाइज अच्छी लगी, सेकेंड नोटबुक जो मुझे और अच्छी लगी, तो वो है गाइज हमारे पास आने वाली क्लासमेट की पल्स, है ना। तो डेफिनेटली गाइज इसका जो पेपर है ये 70 GSM का डॉम्सम है एंड 60 GSM का हमको क्लासमेट पे मिलता है, तो 10 GSM कम है। बट अगेन इसमें भी गाइज परफॉर्मेंस मुझे अच्छी देखने को मिली। अगर आप नॉर्मल जेल पेन यूज़ करते हैं तो इतना सी थ्रू नहीं मिला, बट अगर आप मोटा पेन यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पास था फूडेबॉल 1.5 mm का था, या आप 1 mm का पेन यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं जैसे अल्ट्रॉनिक स्पेशली मुझे यहाँ पे लगा, तो वो हल्का सा सी थ्रू हमें उसमें देखने को मिला था। V7 की अगर मैं बात कर लूँ, पायलट का V7 है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो V7 में मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी सी थ्रू देखने को नहीं मिला गाइस। तो आप वी सीरीज पेन इस नोटबुक पे यूज़ कर पाएंगे, है ना, ऐसा सी थ्रू नहीं है। हाईलाइट अगर आप करते हैं तो हाईलाइट में भी आप यहाँ पे जनरली सारे हाईलाइटर यूज़ कर पाएंगे, ऐसा ज़्यादा सी थ्रू नहीं मिला। तो और गाइस बाकी दोनों नोटबुक्स की अगर मैं बात करूं, इनको साइड में रख देता हूं, तो यहां पे आ गई है हमारे पास हमारी लग्जर की तरफ से आने वाली कन्वर्ट सीरीज़, एंड देन हमारे पास आ गई है गाइस युवा की तरफ से आने वाली सीरीज़। तो ये दोनों नोटबुक्स भी अच्छे हैं, बट मुझे यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा इंक ब्लीड ज़्यादा देखने को मिला। तो हमारा यहाँ पे गाइस जो फाइनल वर्डिक्ट है वो है कि अगर आपको बेसिकली नोट्स बनाने हैं फॉर हायर क्लासेस, अगर आप जैसे आप गाइस बड़े क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी सारे हाईलाइटर एंड पेंस एंड मार्कर्स यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली गाइस ये जो दो नोटबुक हमारे पास आ गई हैं फ्रॉम डॉम्स एंड क्लासमेट, आप डॉम्स की नोटबुक के जा सकते हैं, है ना। बट एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि डॉम्स की नोटबुक 70 GSM की है एंड ये थोड़ी सी ज्यादा थिक भी है, नंबर ऑफ पेजेस सेम है दोनों बुक्स में, बट डॉम्स की नोटबुक हल्की सी थोड़ी सी मोटी आपको देखने को मिलेगी एंड थोड़ी सी हैवी है। बट अगेन गाइस अगर आप कोई ऐसे नोट्स बनाना चाहते हैं जिन्हें आप लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा डॉम्स इज अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपको एक रेगुलर नोटबुक चाहिए फॉर स्कूल, है ना, जो नॉर्मल आपको अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश की नोटबुक बनानी है ऐसा कुछ है एंड आपको आप पानी वगैरह गिराते रहते हैं, तो ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक प्रोटेक्शन आपको क्लासमेट में देखने को मिल जाता है एंड पीछे भी प्लास्टिक प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास काफ़ी सारी नोटबुक है ना, तो ये थोड़ी सी लाइट है। डॉम्स आपको अगर आप ऐसी 4-5 नोटबुक ले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बट क्लासमेट यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर ऑप्शन है एंड डेली यूज़ के हिसाब से अगर आप एक साल के लिए नोटबुक बनाना चाहते हैं तो क्लासमेट इज़ अ गुड ऑप्शन गाइस। तो मैंने यहाँ पे आपको हमारा फाइनल वर्डिक्ट बता दिया है कि लॉन्ग टर्म अगर आपको नोट्स प्रिजर्व करने हैं, आप काफ़ी सारे हाईलाइटर मार्कर्स ये सब यूज़ करने वाले हैं, तो डॉम्स के साथ जाइए क्योंकि वो 70 GSM है ना। एंड अगर आपको नॉर्मल डेली यूज़ के लिए चाहिए, अगर आपको स्कूल यूज़ के लिए चाहिए, है ना, आपको एक साल ही एक नोटबुक चलानी है, देन डेफिनेटली गाइस क्लासमेट पल्स आप ले सकते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 70 GSM पेपर है या 60 GSM पेपर है, बट ये भी इसमें कुछ फीचर्स तो मुझे लगे, जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड का कवर देखने को मिलता है, यहाँ प्लास्टिक का कवर देखने को मिल जाता है। तो गाइस नाउ आई होप आपके दिमाग में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि नोटबुक अगर आपको परचेस करना है तो किन फैक्टर्स पे आपको देखना है, स्मूथनेस, GSM, पेपर क्वालिटी, है ना, एंड क्या क्या फीचर्स वो ऑफर कर रहे हैं। गाइस डेफिनेटली ये चार नोटबुक्स नहीं है, इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बुक मैन्युफैक्चर करते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, सबको ला पाना कंपेयर कर पाना डिफिकल्ट, क्योंकि कोई नोटबुक जो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे एरिया में अवेलेबल, वो आपके पास नहीं होगी। तो डेफिनेटली गाइस आपको एक जनरल आइडिया तो लग ही गया है, उसको यूज करके आप ले सकते हैं। बाकी ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने ये चार जो कॉमन बुक्स हैं जो अक्रॉस इंडिया बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उसमें हमारा फाइनल वर्डिक्ट मैंने आपको दे दिया है कि हमको ये पर्सनली दो नोटबुक बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड अब आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आपकी पर्सनल नीड क्या है, आप किस टाइप के नोट्स बनाते हैं एंड अपनी नोटबुक से क्या चाहते हैं, तो उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप दोनों में से एक नोटबुक को चूज कर सकते हैं। तो गाइस कमेंट्स में आपने डेफिनेटली ये नोटबुक में से कुछ ना कुछ यूज कर रखा होगा, तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका लॉन्ग टर्म यूज कैसा रहा है, आपका लॉन्ग टर्म फीडबैक क्या है, वो सारी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है गाइस। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि यार और भी तो नोटबुक्स आती हैं, है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छी हों बेसिकली, या फिर थोड़ी और हाई क्वालिटी हो, पेपर क्राफ्ट की नोटबुक्स, वो कहाँ हैं, तो चिंता मत करिए गाइस, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं गाइस एक और मेगा रिव्यू। उसके बाद
है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारे पास काफ़ी ब्रांड्स की नोटबुक मौजूद है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी नोटबुक का सेट होने वाला है। तो यहाँ पे हार्ड हमें कवर देखने को मिल जाता है, एंड अंदर भी जो क्वालिटी मिलती है पेजेस की, अगेन ये भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इन सभी नोटबुक्स में गाइस। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ये रिव्यू जल्दी आपके लिए आने वाला है। तो मेक श्योर गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसे रिव्यूज़ मिस ना करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हैंडल स्टूडेंट यार्ड, एंड चैनल को एक लाइक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इसको दबा भी सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए।